जो आचार्य है, आचार्य मतलब कौन है? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यश्च तमाचार्यम प्रचक्षते। शांति भी एक प्रकार का विकास है, लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, वो एक दिन में वो लक्ष्य नहीं पहुंच सकते हैं। एवरेस्ट एक दिन में हम नहीं जा सकते हैं, उसके लिए क्या है, हमारे लिए अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, शक्ति चाहिए। स्वच्छता के लिए मन में स्वच्छता, निर्मल मन होना चाहिए। नमस्ते, हम अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। मैं इस वक्त नागपुर के रामनगर के भगवत पद सभा में हूँ, जहाँ पे कांची के 70th शंकराचार्य जी श्री विजयेंद्र सरस्वती महाराज मौजूद हैं। महाराज यूथ को मैसेज देने वाले हैं और धन के बारे में हमें कुछ बताने वाले हैं। आइए महाराज जी की वाणी सुनी जाए। आज का युवा पीढ़ी का ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, साइंस हो, कभी एंटरटेनमेंट हो, जो भी सोशल मीडिया हो, उस पे बढ़ रहा है। जो भारत जो है वो तो सबसे उत्तम नागरिकता मतलब सिविलाइजेशन का भूमि है। इधर सभी क्षेत्रों का विकास होने के लिए, सभी दिशा में विकास होने के लिए, भारतीय एकता के लिए सब लोग जो है विदेश जाके देखना, एक होता है जिसको जो समय है तब अन्य अन्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले और प्रदेश जाके देखना, वैसे भारतीय एकता के लिए, क्योंकि भारत में संस्कृति के वजह से एकता दृढ़ है। भाषा अलग है, दूसरा दूसरा विश्वास होते भी हम भारतीय करके इस मिट्टी का, इस धरती का एक पवित्रता है, एक स्वच्छता है, एक सात्विक प्रवृत्ति है, अहिंसा प्रवृत्ति है, भक्ति का प्रवृत्ति है। इसलिए जहाँ जहाँ जिस प्रकार से मदद चाहिए उसमें सब लोग करना, अपना कांची कामकोटि के द्वारा विद्या वैद्य वेद ऐसे तीन विषय पर काम होता है, जो शास्त्रीय परंपरा को संरक्षण करने के लिए आयुर्वेद का, मंत्र शास्त्र का, वेदों का, पुराणों का, शिल्प शास्त्र का, शास्त्रीय संगीत का, हिंदुस्तानी और कर्नाटक का, उसको ज्योतिष का, ऐसे अनेक वाल्मीकि रामायण का, वैसे ज़्यादा हम गुरुकुल चलाते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। दूसरा विद्या शंकरा स्कूल्स करके अंग्रेजी का स्कूल भी चलाते हैं, CBSE वगैरह का, उसमें भी अपना भारतीय परंपरा के प्रति मतलब ये उसका बेसिक नॉलेज उनको होने के लिए, प्राथमिक ज्ञान होने के लिए उनको ए फार अर्जुना, सी फार कावेरी, डी फार दुर्गा, ई फार एकलव्या, एन फार नारदा, एल फार लक्ष्मी, ऐसे वर्णबोध करके हिंदी में भी छपा है, अंग्रेजी में भी गोल्डन रीडर करके छपा है। वैसे वो विद्या के क्षेत्र में हमारा काम होता है। वैद्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम से, जो वैद्य के लिए आयुर्वेद कॉलेज रखा है, नर्सिंग कॉलेज रखा है, 10-12 नेत्रालय रखा है, स्टेट का एक नेत्रालय वैसे इधर पनवेल में है, इधर महाराष्ट्र में, और कानपुर में है उत्तर प्रदेश के लिए, इंदौर में है मध्य प्रदेश के लिए, काशी में अभी बन रहा है, वो उद्घाटन होगा, बेंगलोर में है, गुंटूर में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, असम में है, और बरहामपुर उड़ीसा के लिए है। ऐसे कई स्थानों पर एक राज्य का एक ही अस्पताल ऐसे दृष्टि से काम हो रहा है। अभी 10-12 है, और भी छत्तीसगढ़ और जो झारखंड है वहाँ भी ये प्रयास है। इसलिए जो है विद्या वैद्य वेद ऐसे होता है। इसलिए युवा पीढ़ी जो है अपना भारत में अखंडता और एकता के लिए सब लोग परस्पर मदद करके भगवान के सृष्टि में एक एक प्रकार का सुविधा एक एक स्थान पर है, वो सबको समावेश करके भारत का उत्थान के लिए सब लोग
एक मन से काम करना। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम पलुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति। ये वेद में कहा है तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति, इसलिए धर्म को उत्तम माना जाता है, उत्तम कहते हैं। किस लिए उत्तम कहते हैं? धर्मेण पापम पलुदति, धर्म के वजह से पाप का विनाश होता है, पाप का निरसन होता है, पाप का अपनोदन मतलब किनारे रखना होता है। ठीक है, पाप मतलब क्या है, पुण्य मतलब क्या है, किसके लिए पुण्य का काम करना है, किस लिए पाप नहीं करना। पुण्य मतलब दूसरों का हित के लिए, दूसरों को जो मदद करेंगे, दूसरों को जो उपकार करेंगे, जो कष्ट में है उनको दवाई देना, जो भूखा में है उनको अन्न देना, जिसको पिपासा है उसको पानी देना, जो गर्मी है उसको छत्र देना, जो भी शैत्य में है ठंड में है उसको कंबल देना, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको अक्षर सिखाना, जो चल नहीं सकते उनके लिए गाड़ी देना, दिव्यांग जो होते हैं उनको जो लौकिक साधन है उसके माध्यम से उनको अपने काम वो स्वयं करने के लिए मदद करना, ऐसे विद्या के क्षेत्र हो या शीतोष्ण के क्षेत्र हो, किसी न किसी प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या के लिए जो हम सेवा करेंगे, सुविधा देंगे, अच्छे बात करेंगे, प्रेम से जो बात करेंगे, प्रेम से अगर बात करेंगे तो मन में शांति होता है, शांति भी एक प्रकार का विकास है। इसलिए व्यास मुनि जो है, व्यास मुनि जो व्यास भारत है उसको व्यास भारत कहते हैं, जो व्यास मुनि है उन्होंने जो वेद का और शास्त्र का जो सार है, जो एसेंस है, रस है, उसको उन्होंने पुराणों के माध्यम से प्रजा को दिया है। भारत पंचमो वेदः, चार वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, चार वेद है। जो महाभारत है पांचवा वेद ऐसे कहा जाता है, मतलब वेद में जो धर्म है, मतलब ड्यूटीज विधि निषेध, ये करना ऐसे करने से अच्छा है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे सकारात्मक जो विषय है विधि और निषेध, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं सुनना, ये करने से आपको भी दिक्कत है, आपके वजह से परिवार को भी दिक्कत है, परिवार के वजह से समाज को भी कष्ट है, मानवता के लिए नुकसान हो जाएगा, ऐसे जो विषय है जो मना करते हैं शास्त्रों के द्वारा, ये जो विषय है पाप है। जो करने के लिए प्रोत्साहन होता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, क्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद करके एक उपनिषदा है। ये उपनिषदा में मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र कल्याण मतलब जिस देश के व्यक्ति हो या जिस प्रदेश के व्यक्ति हो, सबको भलाई के लिए, सबका सुख शांति के लिए एक मार्गदर्शन गाइडलाइंस और गाइडेंस दिया है। उसमें कहते हैं मातृदेवो भवा, अपने जो माता है उसको देवता स्वरूप से गौरव सम्मान पूर्वक देखो, विश्वास पूर्वक देखो। पितृदेवो भवा, अपना जो पहला आचार्य है वो पिता है उनको देखो। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, जो आचार्य है, आचार्य मतलब कौन है? आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यश्च तमाचार्यं प्रचक्षते।
आचिनोति च शास्त्रार्थम, स्वयं आचिनोति मतलब व्याख्यान देने वाले, जो सूक्ष्म पद है, जो भी हमको समझ में नहीं आता है, जो भी मंत्रार्थ है, जो भी शास्त्रार्थ है, उसको सुलभ भाषा में, सरल भाषा में, निस्संदेह हमको कैसे बताएंगे, मधुर भाषा में, ऐसे जो व्याख्यान करने वाला, प्रवचन करने वाला, संदेह निवारण करने वाला जो है वो आचार्य कहते हैं। आचिनोति च शास्त्रार्थम, आचार्ये स्थापयत्यपि, सिर्फ वो समझ सकते हैं इतना ही नहीं, जो तत्व है उसको शिष्यों को प्रबोधन करके, समाज को प्रबोधन करके, उसको प्रैक्टिकल रूप में मतलब कार्य रूप में लाने वाला वो आचार्य है। ये करो, ये अच्छा है, ये पसंद होगा, वो आपको अभ्यास में आ जाएगा, आपका ही अनुभूति में उसका जो फल मिलेगा, वैसे उनको शिष्य के साथ साथ मतलब शिष्य का उद्धार होना, समाज का उत्थान होना, उस दृष्टि से को गुरु, जो गुरु कौन है, अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यतः सततम, जो शिष्य का जो हित होगा, कल्याण होगा, वेलफेयर होगा, उसके लिए हमेशा प्रयत्न करने वाले, ऐसे मेहनत करने वाले गुरु कहते आचार्य, जो गुरु है वो है। स्वयं आचरते यश्च, ये जो आचार्य होते हैं वो स्वयं आचरण करते हैं, जाप करना हो, मौन व्रत करना हो, जो भी सात्विक प्रवृत्ति हो, जो भी है वो प्रभावित करते हैं अपने आचरण के द्वारा, बिना बताए उनको दर्शन करने से, उनका जो भी जो व्यवहार है उससे हमको प्रेरणा मिलती है, वैसे धैर्य मिलता है, विश्वास मिलता है। वैसे कृष्ण परमात्मा जी भी कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोकाः नकुर्याम कर्मचेदहम, मैं संध्या नहीं करने से, मैं जाप नहीं करने से ये लोग भी ये तो भूल जाएंगे, इसलिए मुझे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ही कर रहा हूँ, वैसे कृष्ण परमात्मा ने भगवद गीता में कहा है। इसलिए अपना जो धर्म है पुण्य पाप से संबंधित है, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, वो पुण्य करने के लिए हमको मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। ये 18 पुराणों में, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, वैसे गरुड़ पुराण इत्यादि अनेक पुराणों के द्वारा भारत का भूगोल बताया गया, जो भारत का जो मैप है, कहाँ क्या द्वीप है, कहाँ विंध्या है, कहाँ मेरू है, कहाँ हिमालय है, सह्याद्रि कहाँ है, जो भी है भारत का जो भूगोल है वो पुराणों से हमको पता होता है। भारत में जो पुण्य तीर्थ है उसके लिए भी ये रिकॉर्ड है, गंगा कहाँ है, यमुना कहाँ है, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, कृष्णा का, कृष्णवेणी महात्म्य महाबलेश्वर का कहाँ है, ऐसे पुण्य तीर्थों का उद्गम स्थल और सागर में जहाँ संगम होता है ये भी कहाँ है, ऐसे नदियों का महात्म्य और पहाड़ का और ज्योतिर्लिंग का, शक्तिपीठ का, और जीवन भर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये धनी हो या गरीबी हो, जो पामर हो, पंडित हो, सबके द्वारा सत्संकल्प का जरूरत है। हम अच्छा काम करना है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। ये जो घास है आप उत्पादन कीजिए अच्छे स्थान से, वो गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। ये कबिल्लुम शिवार्पणम, जो बिल्व है, अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्, ऐसे बिल्व पत्र चढ़ाना, उसके लिए वृक्षारोपण महिमा, ऐसे पुराणों में कहा है, क्या क्या पेड़ कहाँ लगाना, उससे क्या हमको पुण्य मिलता है, नरक से उद्धार जैसे होगा, ऐसे सब महत्वपूर्ण बात कहा है। अपना जो धर्म है सबके प्रति एक विश्वास और प्यार दिखाता है, सबके प्रति हम प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा निष्ठा के साथ व्यवहार करना, असूया
राग द्वेष मद मात्सर्य से विमुक्त जीवन के लिए लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, वो एक दिन में वो लक्ष्य नहीं पहुंच सकते हैं, एवरेस्ट एक दिन में हम नहीं जा सकते हैं। उसके लिए क्या है, हमारे लिए अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, शक्ति चाहिए और हमको एकाग्रता के साथ संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन, जो भी काम करना है कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए, उसके लिए एकाग्रता का जरूरत है। वैसे एकाग्र के लिए हमारा जो भी अनुष्ठान है, संध्या हो, दीप प्रज्वलन हो, जो भी पाठ करना सुंदरकांड का हो, जो भी मनाचे श्लोक है, इधर जो दासबोध है, वारकरी है, ज्ञानेश्वरी है, जैसे जो भी संतों का जो वाणी है मधुर भाषा में जो कहा है वो पढ़ना है, तब संस्कार होता है। जैसे रिफाइनरी कच्चा का वो तेल का ये आता है, बाद में रिफाइनरी होता है, वैसे स्वच्छता के लिए मन में स्वच्छता निर्मल मन होना चाहिए। मत में राग द्वेष उसमें ज़्यादा होता है, चंचल भी होता है, मन तो चंचल भी होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना मुश्किल से होता है, जो मुश्किल से भी नहीं होता है, वैसे इधर का जो भी मन में जो भी स्थिर संकल्प होने के लिए अभ्यास का जरूरत है, उसके लिए जाप होता है। जो शिव जी का हो, महाविष्णु का हो, शक्ति का हो, जो भी मंत्र दीक्षा गुरुमुख से दीक्षा लेकर के जाप करके अपना जीवन में एकाग्रता के लिए हमको ये तैयारी करना पड़ता है। वैसे जो पुराण है, पुराण में भारतीय इतिहास है, भारतीय परंपरा है, जितने जो संत लोगों ने जो जो त्याग किया उसको कहानी भी उसमें है, उसमें त्याग परंपरा। जैसे ध्रुव है, छोटा उम्र में ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए दूसरों के लिए त्याग किया, महाविष्णु के पास वो प्रार्थना किया। ऐसे भगीरथ जो है 60,000 अपने पूर्वजों के लिए है, पूर्वजों को अच्छे पद मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो है वैसे उन्होंने काम किया है, वो शाप से विमुक्त करने के लिए भगीरथ प्रयत्न उसको बोलते हैं। मतलब ये जो अच्छा काम है, बीच बीच में रुकावट आए तो भी, कमज़ोर हम होने भी, हमारा संकल्प को नहीं छोड़ना, अच्छे संकल्प के साथ साथ आगे बढ़ना, उसके लिए हमारा जो है भगीरथ प्रयत्न बोलते हैं। जो दान देने में कर्ण जैसे दान देना ऐसे बोलते हैं, जड़ भरत करके वो तो सत्संग के लिए उसको उदाहरण देते हैं। वैसे अनेक पुराणों में जिसको जिसको कहानी है, वैसे अवतार पुरुष जो है भगवान का अवतार है, राम जी है। संतापघ्नम सकल जगताम शार्ग चापाभिरामम लक्ष्मी विद्युल्लसित मतसी गुच्छ सच्छायकायम वैकुंठाख्यम मुनिजन मनश्चातकानाम शरण्यम कारुण्यापम त्रिदश परिषद कालमेघं ददर्श। संतापघ्नम सकल जगताम, जो संताप है, तीन प्रकार का जो संताप है, शरीर में संताप है, मन में संताप है, बुद्धि में जो भ्रम है, वो सब जो भी होता है, वैसे संताप से जो कष्ट होता है, मनुष्य का जो कष्ट होता है, उससे विमुक्ति पाने के लिए भारत का जो भी चरित्र है, भारत का जो महिमा है, वो सब युवा पीढ़ी पढ़ना चाहिए। युवा पीढ़ी का जो भी संस्कार मन में होगा, बचपन से जो संस्कार होगा, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, जो विद्या है वो कुमारावस्था में, मतलब बचपन में ही युवा पीढ़ी जो तक है तब तक ही पढ़ना चाहिए, विशेष करके जो संस्कार सहित विद्या है। विद्या तो बड़े उम्र होने के बाद भी होता है, जो मुख्य विद्या है ये तो
बचपन से ही होना चाहिए, भारतीय परंपरा है। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनांते तनुत्यजाम। इसलिए विद्याभ्यास के समय पर विशेष करके आज के युवा पीढ़ी साइंस में भी अच्छा पढ़ना, गणित वगैरह भी पढ़ना, भूगोल अपना जो भारत देश का जो भूगोल है वो पहले सीखना, ये तो विश्व का तो दर्शन आप मांगे नहीं मांगे तो हमारा टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको पता ही होगा। फिर भी अपना देशभक्ति का, अपना धर्म में विश्वास रखने के लिए अपना भारतीय इतिहास, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी अपना तीर्थस्थल है, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जो गरीबी होते भी अपना संपत्ति के लिए नहीं सोचा, दूसरों के लिए काम किया। वैसे एक जंतु का एक कथा आता है महाभारत में, जो सांप का उस जंतु का तो नहीं लगता है उसको कोई भी है, उस जंतु ने एक गरीबी का घर गया। गरीबी ऐसे ऐसे घर है, ये एक अतिथि को उन लोगों ने स्वयं दो तीन से नहीं खाया, फिर भी जो अतिथि आया उनको तो खिलाया। वहाँ जाने के बाद ये जंतु का जो शरीर है आधा सोन हो गया, इतना एक जो है। दान का महत्व इधर है, त्याग का महत्व है, ये पाठ्यक्रम में जो हो सकता है वो तो वो होना, और पाठ्यक्रम के अलावा घर घर में शनिवार रविवार में संस्कृति पाठशाला करके, जो महाराष्ट्र का जो भी इतिहास है, अपना भारत का जो भी इतिहास है, वो सब युवा पीढ़ी पढ़ना चाहिए। ज्योतिर्लिंग दर्शन करना, भीमा शंकर, जो भी त्र्यंबकेश्वर, जो भी गोदावरी का उद्गम स्थल है वहाँ जाके दर्शन करना, कृष्णेश्वर, ऐसे नागनाथ, वैद्यनाथ, ऐसे पांच ज्योतिर्लिंग है, अष्टविनायक है, मोरगांव वगैरह है, वैसे संतों का जो सज्जन घाड़ है, सातारा जो है अपना वीर परंपरा का, और धर्म को बचाना उसके लिए जो है सातारा वगैरह है, से सब जगह जा कर के युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी ट्रेडिशन एंड ट्रेड कमाना, जो भी है आत्मनिर्भर, जो भी है आप व्यापार, लघु व्यापार जो हो, नौकरी हो, कमाना एक प्रकार, दूसरा सेविंग्स करके, सिंप्लिसिटी सेविंग्स एंड सर्विस, ऐसे निराडंबर जीवन, और जो पैसा मिला है उसको अच्छे समय तक के लिए वो संरक्षित रखना, और जो भी योग्य व्यक्ति होगा, जो माँ बाप है और जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका कुल देवता का मंदिर है, उसमें कोल्हापुर है, ऐसे अनेक मंदिर है इधर, वैसे अच्छे तीर्थ स्थानों में पैठन है, वैसे जो भी नरसिंह सरस्वती का मंदिर है, वैसे जो भी है इधर संतों का भी ये प्रदेश है, महाराष्ट्र, और ज्योतिर्लिंग का प्रदेश है, गणेश जी का भी ये तीर्थ स्थान है। सहकारी व्यवस्था जो है मानव जीवन में परस्पर सहयोग, वैसे इधर बहुत बड़ा बड़ा ये टीम होता है, 30,000 लोग सदस्य है, मेंबर है, 40,000 है, वैसे सहकारी संस्थान बहुत होता है भारत में, सहकारी मूवमेंट का ये मुख्य स्थान होता है। इसलिए सांसारिक जीवन में भी परस्पर सहयोग होना, पति पत्नी हो, दादा है, पुत्र हो, पोता हो, जो भी है संयुक्त जो भी प्रयास है, वैसे अपना अविभक्त कुटुंब ऐसे बोलते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम, ऐसे इधर समाज के अंदर जिसको जो ज़रूरत है, ऐसे जिस प्रकार से हम दूसरों का हित कर सकते हैं, तभी हमारा जो मानव जन्म है चरितार्थ होता है, कृतकृत्य होता है, जिसके लिए भगवान ने हमको इतना सुंदर, इतना भव्य जो जन्म दिया है। जंतूनाम नर जन्म दुर्लभम, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी का भी प्रवास इधर हुआ, वैसे अपने संत परंपरा का जो मुख्य स्थान है महाराष्ट्र है, नागपुर है, नागपुर भी अच्छा स्थान है, इधर जो भी समाज सेवा का प्रेरणा स्रोत इधर से जो होता है, अभी भी जो उत्तरांचल में
जो भी कष्ट में जो थे उन लोगों को, जो भी सब लोग, एक व्यक्ति से ये काम नहीं होता, मतलब पहला क्या करना बाद में क्या काम करना, ऐसे सब सोच करके, जब बोलते हैं ना वो महाराष्ट्र में सोलग्ने सावधाना, ऐसे बोलते हैं सावधान से, इतना दून सब सोच करके, ये सब जाइंट एफर्ट के द्वारा, हाथों से भी काम हुआ, मशीन से भी काम हुआ, भोजन भी दिया उन लोगों को, ऐसे हमने सुना, जो भी विषय है ऐसे, इसलिए जो है ये परस्पर उपकार होता है, परोपकार होता है, ऐसे परोपकार करने के लिए अपने दिल में भी संकल्प होना चाहिए, बुद्धि में भी उसको किस प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, जो समर्थ रामदास का ये भूमि है, सामर्थ्य भी चाहिए, समन्वय भी चाहिए, सहकारिता भी चाहिए, सत्संग भी होना, सात्विक भी होना, जो जीवन में हम क्या लेकर आए क्या लेकर चलेंगे ये बात नहीं है, इसलिए जो समय है भगवान ने जो समय दिया उसको सदुपयोग करके, जो टेक्नोलॉजी है बहुत सुंदर विषय है, पहले तो ज्ञान का प्रकाशन तालपत्र में होता था या भुर्जर पत्र में होता था या कंठस्थीकरण करके वो याद में रखते थे, आज क्या है टेक्नोलॉजी के वजह से हमको जो भी विषय है हम जो चाहते हैं वो हमको मिल सकता है, उसके साथ साथ क्या है उसमें हम ज़्यादा होने से हम भी विस्मृति भी ज़्यादा हो जाता है, ये भी नकारात्मक परिणाम है, इसलिए है इसलिए याद नहीं रखते हैं, ये भी होता है, इसलिए क्या है टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से उपयोग करना, कितना तक उपयोग करना, ये भी सोच करके, प्राचीन संस्कृति नवीन विज्ञान, जो भारत का जो धर्म है सनातन संस्कृति जो है, सनातन ऋषि परंपरा जो है, ये तो आडंबर नहीं सिखाता है और कर्मयोग सिखाता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एडवांस पेमेंट उसमें नहीं होता है, मतलब क्या है काम करो फल भगवान देगा, वैसे जो दे रहे हैं वो उसको लेना, ऐसे जो है अपना कर्मयोग जो होता है वो कर्म करने के लिए ड्यूटी बॉन्ड जो है, ड्यूटी का हमारा मुख्य होता है, एक एक का भी एक एक ड्यूटी है, वैसे उसको उस प्रकार से हम विश्वास के साथ, तीन प्रकार का विश्वास हमारे लिए ज़रूरत है, एक तो आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा परस्पर विश्वास, जो 10-15 लोग मिलके काम करेंगे या 2000-3000 लोग कारखाना में काम करेंगे, एक विद्या संस्था में काम करेंगे, वहाँ परस्पर विश्वास, और सबसे मुख्य है ईश्वर विश्वास, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको धर्म के रास्ता दिखाया, वैसे जो धार्मिक प्रदेश है भारत में धर्म का प्रचार प्रसार प्रतिष्ठा होने से ये विश्व के लिए उपयोगी होगा, इसलिए शांति क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र भी ये होना, इसलिए टेक्नोलॉजी को हम सदुपयोग करके नागपुर का भी जो भी जनता है वो धार्मिक रुचि में, जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे आगे भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करना, इधर जो है हमारा कार्तिक महीने का जो भी सोमवार का अनुष्ठान है, ये सब सोमवार में रुद्राभिषेक वगैरह होगा, इधर जो भी सर्वेश्वर मंदिर है दक्षिण भारत शैली से जो मंदिर है वहाँ भी कुछ कुंभाभिषेकम के लिए पूर्वांग का कार्यक्रम होगा, प्रतिदिन सब लोग यथाशक्ति सुबह स्नान करके 5 मिनट या 10 मिनट दीप प्रज्वलन करना, भगवान का नाम जाप करना, राम 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 राम, शिव 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 शिव, नारायण नारायण, आपको जो इष्ट देवता है तुलजा भवानी जो भी है आपका इष्ट देवता का नाम स्मरण करना, और जो संतों का जो साहित्य है उसको थोड़ा पाठ करना, और एक मिनट सबका भलाई के लिए प्रार्थना करना, हम जो कर सकते हैं वो दूसरा है, जो हम शक्ति के अनुसार होता है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, वैसे लोकहित के लिए लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सबका आयु आरोग्य ऐश्वर्य होना, वैसे प्रार्थना करना, वैसे संध्या समय पर भी
जो भी है हारती, जो घर में जो हारती वगैरह होता है, स्मरणे मात्र कामाना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, जो गणेश जी का वैसे जो हारती है वैसे भगवान का शंकराचार्य का भी इधर बोलते हैं, जय जय शंकराचार्य करितो मी परिचर्या आरती यति वर्या, ऐसे बोलते हैं। पंडरपुर जो है एकादशी का वहाँ मुख्य होता है, चार एकादशी आषाढ़ी वगैरह, वैसे नाम जाप करने का ये सब करके प्रातः काल और संध्या समय पर भी जो कम से कम ये करना, वैसे भक्ति के साथ हमारा जीवन हो करके भक्ति धर्म के प्रति होना, परिवार के प्रति भी होना और देशभक्ति भी होना, धर्मो रक्षति रक्षितः, वैसे धर्म का आचरण करके धर्म का फलस्वरूप सबका सुख शांति मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर, जय जय शंकर।